आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स फ्रेंड में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगें तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। कुछ क्षण पहले आपने एक पिक्चर देखी है, उस पिक्चर में कुछ नंबर्स आ रहे हैं ऊपर से नीच तक और अंततः एक दिखा रहा है। अभी हम लोगों को समझना है कि वो चीज़ क्या है, उसमें क्या लॉजिक है, ये पता करना है। तो लोथर कोलार्ड्स, लोथर कोलार्ड्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक अनोखी आइडिया दी थी 1937 साल में। उसे हम लोग लोथर कोलार्ड्स कंजेक्चर उसे हम लोथर कोलर कोलर्ड्स कंजेक्चर कहते हैं। और थ्री एन प्लस वन प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो अभी ये कंजेक्चर और थ्री एन प्लस वन प्रॉब्लम क्या है, उसका स्टेटमेंट हम लोगों को लेना है। तो ये स्टेटमेंट बता रहा है कि इफ द नंबर इज इवन, कौन सा नंबर, एक नंबर हम लोगों को लेना है और वो इंटीजर होगा। तो इफ द नंबर इज इवन डिवाइड इट बाय 2। अगर नंबर इवन होगा तो उसे 2 से डिवाइड करना है। इफ द नंबर इज ऑड ट्रिपल इट, यानी 3 गुना ट्रिपल इट एंड एड वन, यानी कि अगर वो नंबर जो हमने ली है वो ऑड है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ 1 ऐड करना है। तो ये था लूथर कोलर कंजेक्चर का स्टेटमेंट। अभी हमें ये स्टेटमेंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेनी है। हम लोगों ने लिखा था 3n प्लस 1, तो इस n n जो नंबर है हम लेते हैं कि n इज इक्वल टू 12। ये जो 12 है ये नंबर इवन है, तो इस नंबर को, यानी जो 12 है इसे ऐसे लिखना है और एक सर्कल के अंदर लिखना है। तो
अभी जहां तक कि ये इवन है तो इसे दो से डिवाइड करना है। अगर 12 को हम दो से डिवाइड करते हैं तो हमें 6 मिलता है। 6 ये भी इवन नंबर है, तो इसे भी हम दो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखिए, ये जो 3 है ना, ये नंबर ऑड है, ऑड नंबर आ गया। तो अभी क्या करना है, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 यानी कि 9 आएगा। उसके बाद इस 9 के साथ 1 ऐड करना है, तो उसका आंसर 10 आ रहा है। तो अभी हमें मिला 10। देखिए, 12 से 6 हुआ 2 से डिवाइड करने से, फिर 6 इवन नंबर है तो उसे भी 2 से डिवाइड किए तो 3 आ गया। लेकिन ये ऑड है इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 9 आया, उसके साथ 1 ऐड किए तो 10 आया। ये 10 ये भी एक इवन नंबर है। तो फिर हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अभी 5 देखिए, ये जो 5 नंबर है ये ऑड नंबर है, तो क्या करना है, फिर तो इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 15 आएगा। और उसके साथ जब 15 आया तो उसके साथ 1 ऐड करना है तो 16 आएगा। तो 5 से फिर ये नंबर बढ़कर 16 हो गया। अब देखिए, ये 16 इवन नंबर है, तो जहाँ तक कि ये इवन है तो 2 से डिवाइड करना है। 16 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 मिलता है। 8 इवन नंबर है, इसे 2 से डिवाइड करने से 4 मिलता है। 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलता है, और 2 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलता है। यहाँ तक आके ये कंजेक्चर ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि हम 12 में थे और 1 पे आ गए। कोई भी नंबर आप लोग ले सकते हैं, कोई भी नंबर लेकर ये कंजेक्चर टेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग 1 पे आकर रुकेंगे। बहुत बड़ा नंबर हुआ तो बहुत लंबा चलेगा ये स्टेप्स। ऑड आता है, इवन आता है, ऑड आता है, इस तरह से ये चलता है।